सचिन पायलट आज सुबह अपने निवास पर मीडिया से रूबरू हुए हैं। कांग्रेस विधायक गजेंद्र शक्तावत के निधन पर बोले हैं। कहा, गजेंद्र शक्तावत का जाना पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति। पायलट ने कहा कि शक्तावत के जाने से मुझे बहुत व्यक्तिगत नुकसान हुआ। पार्टी फॉर्म या अन्य जगहों पर शक्तावत हमेशा कर्तव्य निष्ठ रहे हैं, उनके जाने से कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। राजनीतिक नियुक्तियों के सवाल पर सचिन पायलट बोले, तय समय सीमा में होंगे सभी काम। राजनीतिक नियुक्तियों के लिए जनवरी माह का समय तय किया गया था। मुझे लगता है प्रभारी अजय माकन लगातार इस दिशा में काम कर रही हैं। हम सभी की इच्छा है कि उन्हीं लोगों को मौका मिले जिन्होंने पार्टी के लिए अच्छा काम किया है। मंत्रिमंडल विस्तार पर पायलट बोले, इस दिशा में भी काम हो रहा है। मनवाने के लिए अपनी गुहार लगा रहे हैं, लगातार उनको बार बार वार्ता के लिए बुलाया जाता है और एक तरह से उनको थकाने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। और हम लोगों ने पहले भी कहा कि हमारी पार्टी किसानों के साथ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन किसान संगठन और किसान उस समिति के गठन से संतुष्ट नहीं है। इस बात को उन्होंने कई मरतबा कहा है। हम इतना चाहते हैं कि जो किसान की मांग है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, अनेकों लोगों की जान चली गई। किसान अपना घर बार छोड़कर इस ठंड में खुले आसमान के नीचे दिल्ली की सरहद पर 2 महीने से बैठे हैं और लगातार वार्ता की चर्चा हो रही है लेकिन निष्कर्ष निकल कर नहीं आ पा रहा है। इसलिए हमें और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने कल बड़ा स्पष्ट रूप से कहा, किसानों की मांग के सामने केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। और इस मुझे लगता है कि सरकार को जिद छोड़ देनी चाहिए। जब इतने संगठन, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज, देश भर के किसान आंदोलित हैं और सिर्फ कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो सरकार को जिद छोड़कर कानून वापस लेने चाहिए, क्योंकि इन कानूनों का निर्माण जो हुआ था वो बिना किसी की सलाह से हुआ, ना किसानों से, ना राज्य सरकारों से। और आज जब सब जानते हैं कि किसान का भविष्य संकट में है, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। सर, चीन में जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा था कि जो भी बदलाव करने होते हैं संगठन में या सरकार में, उसमें AICC, PCC, सब वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री मिलकर बैठकर चर्चा करते हैं और जो राजस्थान के हित में होगा, जो सरकार और संगठन को बेहतर तालमेल से चलाने करने की दिशा में काम होगा, उसको सब मिलकर करेंगे। और AICC ने पहली घोषणा करी है कि बहुत जल्द जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, तमाम बदलाव हैं, वो इस जनवरी के महीने में करने हैं, क्योंकि चुनाव भी चल रहे हैं, 28 तारीख को पोलिंग है। लेकिन मुझे विश्वास है कि समय रहते ही जो समय सीमा AICC ने तय की है उसके अनुसार काम होगा। थैंक यू। छोड़ यार रोगेश, गजेंद्र शक्तावत जी विधायक भी थे और क्षेत्र के प्रति, पार्टी के प्रति समर्पित थे। कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, दिल्ली में इलाज भी उनका हुआ, लेकिन अचानक और बहुत दुखद ये खबर मुझे आज सुबह मिली। और मैं समझता हूँ ना सिर्फ उनके क्षेत्र का, मेवाड़ का, राजस्थान का और पार्टी का, लेकिन मुझे व्यक्तिगत बहुत क्षति आज पहुंची है। उनका साथ, उनका सहयोग हमेशा हम सबको मिला और एक कर्मठ जुझारू विधायक रहे, मुकेश्वर के पिताजी प्रदेश में मंत्री रहे, बहुत सालों तक योगदान दिया और उन्होंने भी अपने क्षेत्र के देखभाल में पार्टी के प्रति काम करने में कभी कमी नहीं छोड़ी। और बहुत कम उम्र में उनका इस प्रकार स्वर्गवासी होना हम सबके लिए बहुत दुखद है। मैं उनके परिवार को, क्षेत्रवासियों को अपनी सांत्वना देता हूँ। जैसा मैंने कहा कि उस परिवार से बहुत पुराना लगाव मेरा व्यक्तिगत था, उनके जाने से हम सबको दुख भी है, क्षति भी है और उनकी कमी हमेशा हमको महसूस होती रहेगी।